गंडेरियां बेचने की बेटा चूड़ा बेचने अच्छा मेरी जान जी मेरे आइडियल है बिलीव करें सर अच्छा यकीन करें बहुत बड़ा फैन हूँ जब आप जंजालपुरा में रीमा बने थे मैं फैसलाबाद च मदिया शाह बने सर एक बात करूं सर आप दो बातें करें प्लीज और खुल के करें महमूद मेरे तू है तो दुनिया मोमोसी है जो तू नहीं तो नबील भी नहीं माशाल्लाह अल्लाह आपको और हदायत दे मत तलाश करें हर किसी के ऐब मत तलाश करें हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है हम ऐसा क्यों करते हैं कि किसी की सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज करके एक ऐब लेके बैठ जाते हैं अगर यूं ही ऐब तलाश करते रहे तो भरी दुनिया में हम तन्हा ही रह जाएंगे इस पे मैंने एक शेर लिखा है तर शेर ना दे इसके ऊपर एक शेर लिखा है अच्छा एदे ऊपर लिखे है मैं समझा उस शेर पे एक शेर लिखा है आप बड़ा अच्छा कर रहे हो तू वैसे वो साडे उठे के जलेबियां तलन वाला है वो जो जलेबियां पांदा ना वो भी लेंगे टाइम हो गया चलो शुक्र है पाजी असि फरौन भी वेख लिया फरौन दी आया भी वेख लिया तुसी कोई आया गया भी देखिया करो मैं बात ये कर रहा था अगर हम यूं ही ऐप तलाश करते रहे तो एक दिन हम भरी दुनिया में तन्हा रह जाएंगे रोई ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी गिन रहा है वो उसको लगता है पारसा है वो पत्थरों के शहर में जिंदा है लोग कहते हैं आईना है वो एक बार जो खो जाए मिलता नहीं दोबारा तेरे लकदा हो लारा रंग मैं ऐप की बात कर रहा हूं जी प्लीज मेरे ऐपों को गिनवाया तो सबने किसी ने मेरी गम ख्वारी नहीं की। अगरचे खूबियां थी लाख मुझ में किसी ने भी तरफदारी नहीं की। आखिर ये किस तरफ चल पड़ा है जमाना ये मेरा दिल प्यार का जी आपने इमरान भाई के साथ भी बहुत काम किया है मैंने इनके साथ बहुत इमरान भाई ने आपके साथ काम किया है कोई दिलचस्प वाकया कोई अगर आपको याद हो
भाईजान इजाजत हो तो सुना दो। इजाजत मांगना हमारा काम है, हमें वो पीछे जाना पड़ेगा, माजी का वाक्य है सर। माजी को मैं अपने तकिए के साथ लिटाता हूँ, पक्की बात है, भूल तो नहीं गए ना। माजी को ना भूलता हूँ मैं, माजी की इज्जत करने वालों में। भाजी बड़ा मजेदार वाक्य है। वाक्य ये है सर कि एक दिलावर मलिक साहब हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। वही लाए हैं मुझे, वही लाए हैं मुझे। वो एक सीरियल कर रहे थे और उसकी शूटिंग हो रही थी थाईलैंड में, वहाँ शूटिंग शुरू हो गई हमारी। एक सीन आया, अब वो सीन था कि एक सिख लड़का है कोई, तो उसके साथ मेरा वो सीन था। वो मैं क्या कि सीन करेगा यार, सिख का सीन है। तो मुझे क्या लगा कि नहीं नहीं है, बड़ा चाहिए, तू फिक्र ना कर, तेरे के मैं अच्छी चीज़ ही पाऊँगा, कोई मुझे चीज़ नहीं सुटा। ले जी भाजा ने सरकार ने दाढ़ी लगवाई है सर, वो सिख बन के आए, वो रिहर्सल की इसके साथ मैंने, तो लो जी उसके बाद टेक हुई। वो टेक हुई थे भाजा ने, क्या आला इसने वो परफॉर्म किया, बहुत जबरदस्त। पानी सिंह का मेरा रोल था और आज भी मुझे याद है कि वो करता हूं दसी के हो कदे साथो मांग दिए कन्ना वाले चुंब के ते कदे मंगे मथे वाला टिका नहीं। मैं कहा जानी मैडम की हाल है, मानी सिंह प्राइवेट लिमिटेड। माशाल्लाह इतना तवील तरीन करियर, उसमें बहुत से लोग आपसे मिले और बहुत बड़ा आपने बहुत सा काम किया, उसमें कोई ऐसा शख्स जिसको आप देखा और आप कहेंगे यार वाह, यानी कि शॉर्ट लफ्ज़ों में दिल हार बैठे हो? यार मुझे ना दिल हारने का मौका ही नहीं मिला। वो एडियां सोनिया सोनिया कुड़ियां आप मेरे ते फ्लिप पे गई सर। ये जो आप बुलबुले में आपका इतना हिट एक आइटम है जी सर, जो आप कहते हैं कि ये जो किया है ये वो था, ये राइटर का लिखा हुआ था, ये आपका अपना जाती था? नो, फिर ये भी आपको मजे की बात बताऊं, आपको पता है ये अलबेला साहब का है जी, ये अलबेला, ये हम क्रेडिट उनको दे रहे हैं। क्या बात, ये वो थिएटर में किया करते थे, शायद आपको याद हो। ऐसे ही हम बैठे थे कि यार कोई कंटिन्यूटी महमूद साहब की बनाई है, तो नबील ने ये पॉइंट आउट किया कि यार अलबेला साहब ही को बोलते होंगे सन, ये जो पिलानी है ये चाय है। शेर बड़ा मजेदार है, दो पत्थर अनारा दे हैं जी, दो पत्थर अनारा दे तीन बिच होर पा लिए पांच पत्थर अनारा। महमूद साहब, एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज तो परेशान है, क्यों? दो चार बारी पसीना साफ कर चुकी क्यों? है क्यों घबराई है कि आज मेरे सामना किदा करना पैना है? तोड़ा करना पै रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तानी टीवी फिल्म और थिएटर के एक बहुत ही कारामद और बड़े सतून आज मज़ाकरात के सेट पर मौजूद हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनसे ये ना कहें कि द स्पॉट लाइट एंड स्टेज इज ऑल योर्स महमूद साहब।